इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां सरकार ने जानवर पालने पर भी टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। गाय, कुत्ता, बिल्ली पालने पर हर साल 250 से 500 रुपए तक का टैक्स लगाने की सरकार ने तैयारी कर ली है। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। सत्येंद्र, अब इस नए टैक्स पर लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? देखिए सईद, ये जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, इसके मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू हैं। स्थानीय निकाय जो है लोकल बॉडी मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी की है। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से म्युनिसिपल किसी भी जो है म्युनिसिपल लिमिट में अगर आप गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, सुअर, कोई भी जानवर जो है आप पालते हैं, तो प्रति जानवर आपको सालाना 250 से 500 रुपए जो है फीस देनी होगी। लेकिन सत्येंद्र, गांवों में तो सबके पास बकरी, बैल, भैंस होती ही है हर घर में लगभग, और उनकी इतनी कमाई भी नहीं होती, क्या उन पर बोझ नहीं पड़ेगा? देखिए सईद, ये जो नोटिफिकेशन है ये म्युनिसिपल लिमिट में, मतलब गांव बचे हुए हैं, गांव इससे बचे हुए हैं, म्युनिसिपल लिमिट है। लेकिन म्युनिसिपल लिमिट में भी शहरों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डेयरी फार्मिंग करते हैं, गाय भैंस पालते हैं, और शहर से अगर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर आप निकल जाएं तो छोटे छोटे गांव होते हैं, उन गांवों के लिए ये कानून कहीं ना कहीं मुसीबत जरूर पैदा कर सकता है, क्योंकि प्रति एनिमल आपको 250 से 500 रुपए देना पड़ेगा। अगर नहीं दे पाए तो फिर 10 गुना, अगर तब भी नहीं दे पाए तो सिविल कोर्ट में आपके खिलाफ जो है सूट दायर किया जाएगा और आपके एनिमल को इम्पाउंड किया जाएगा।